channel, and today we are doing another video reaction, and this one is from MOSTLYSANE. She is hugely popular. I follow her on Instagram, so let's watch her video and we'll discuss about it later. अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे. यार तू कितना टाइम है खाने को? अरे बंद रहे ना, कुकर में लगा है. मम्मा तो सुषमा आंटी की बेटी को चौथा बच्चा हो गया. हाँ ना, मेरे को तो समझ में नहीं आता इनका शौक ही पूरा नहीं होता है. मेरा तो दो ही लोगों में दिमाग खराब हो गया है. लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी गिफ्ट क्या करूँ. तो ये पहले सोचना चाहिए था ना, तीन तीन चांदी के चम्मच तो दे चुकी हो, चौथा भी चम्मच ही दोगी, इतने चमचों का करेंगे क्या वो. हे प्राजक्ता, मैं क्या बोलती हूँ, इस बार तीन चांदी का कटोरी दे देती हूँ, मतलब सेट बन जाएगा. ये बच्चे किधर से आते हैं? बोलो ना, आहो डाल वाड़ू. हाँ, और भिंडी भी. बताओ ना, क्या किधर से आते हैं बच्चे? बच्चे तो स्कूल के बस में आते हैं ना, तो स्कूल से ही आते होंगे. क्या तू भी मोंटू. स्कूल के बच्चे नहीं, मतलब सबके बच्चे. नहीं, सबके बच्चे कहीं से भी है, अपने को क्या है, दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने का. मोंटू बैड हैबिट है, मोंटू बैड हैबिट. अरे आपको कैसे नहीं समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ. दीदी तू समझाना. क्या, मैं किधर से आया हूँ? अभी अभी बोलना मत कि मैं अडॉप्टेड हूँ करके. अडॉप्टेड? अरे मैं ऐसा क्यों बोलूंगी, तू तो भगवान का दिया तोहफा है, तुझे भगवान जी लेके आए. भगवान जी लेके आए थे? कहाँ से? अरे पागल, तुझे हमारा पुराना घर याद है जिसके सामने एक हॉस्पिटल था? उस हॉस्पिटल के पीछे एक बड़ा सा मैदान था, है ना? हाँ. उस मैदान के एक कोने में एक छोटा सा मंदिर था. उस मंदिर के जो पुजारी थे ना, उस मंदिर के पीछे ही रहते थे. तो मंदिर से लेके उनके घर तक जाने वाला जो रास्ता था ना, उसमें एक मोड़ आता था. उस मोड़ पे एक कचरे का डिब्बा था जहाँ से हमारे वॉचमैन भगवान दादा तेरे को उठा के लाए थे. यार क्या है यार मम्मा. प्राजक्ता बकवास मत कर. ओके तो आप सच बता दो कि मोंटू कहाँ से आया था? कुकर से. हाँ हाँ, कुकर से जलने की बदबू आ रही है लगता है. राजमा जले तो नहीं? मैं चेक करके आती हूँ. आओ कैरी ऑन. हाँ बाबा, अभी आप बताओ. हाँ बाबा बताओ ना. क्या है वो, पहले के पुराने जमाने में ना बिजली बहुत जाती थी, तभी क्या है ऐसे इन्वर्टर वगैरह नहीं होता था ना. अभी कितना साइंस ने मतलब तरक्की कर लिया है. नहीं अरे पुराने जमाने का क्या बता रहे हो, अभी का बताओ ना. ठीक है, अभी का क्या बताएगा, अभी तो लाइट जाती नहीं है ना. बाबा अभी के जमाने में कैसे बच्चे पैदा होते हैं वो पूछ रहा है मोंटू. हाँ क्या, तुम लोगों को स्कूल में नहीं पढ़ाया क्या इसके बारे में? पढ़ाया था ना, लेकिन जिस दिन ये पढ़ाया उस दिन हम सब छुट्टी लेके शिरडी गए थे ना. बोला था बच्चों को घर पे छोड़ के जाते, तुम्हें तो पागल हूँ. ट्यूशन में पढ़ा रहेगा ना? नहीं, वो ट्यूशन वाली मैम बोल रही है कि घर पे जाके मम्मी पापा को बोलो ये चैप्टर पढ़ाने को करके. ऐसे किस बात की लेती है कमी. हाँ, नहीं जले यार राजमा, ठीक है. हाँ चलो तो अभी मेरे को बताओ कैसे पैदा होते हैं. एक बार ही जरा चेक करके आती हूँ. हाँ अर्चू मैं हेल्प करने को आता हूँ. नहीं ठीक है, मैं करती हूँ, तुम बैठो. अभी बाबा बस हो गया, ये बीटिंग अराउंड द बुश बुश बस हो गया. पॉइंट पे आओ, मेरे को बताओ कि बेबीज किधर से आते हैं, मेरे को जानने का है. ऐसी क्या बात है कि छुपा रहे हो? अभी दादी को पूछ के आता हूँ वरना. हे, बताता हूँ. पुराने जमाने में बिजली बहुत जाता था ना. अरे यार बिजली का जाने दो ना, पॉइंट पे आओ ना बाबा. बहुत पहले जब ही प्राजक्ता हुई थी ना, तो वो एकदम ऐसे मतलब अकेली रहती थी, एकदम मायूस रहती थी. उसकी ऐसी शक्ल की वजह से उसके कोई दोस्त भी नहीं थे. तो हमने सोचा, मैंने और तेरी मम्मा ने, कि उसके लिए उसका मन बहलाने के लिए एक छोटा भाई या बहन लेके आते हैं. तो मैंने तेरी मम्मा को बोला ऐसा करते हैं क्या,
तो तेरी मम्मा ने बोला ओके। तो जब हमको लाइफ में कुछ भी चाहिए होता है तो हम किसके पास जाते हैं? किराने वाले के पास नहीं, भगवान के पास। तो इसके लिए हम मंदिर में गए, फिर लगातार 9 महीने तक सुबह शाम हमने पूजा पाठ तपस्या मन्नत सब किया। फिर मतलब तेरे मम्मा और मैंने तो पानी भी नहीं पिया था। फिर 9 महीने के बाद ऐसे बादल हटे अचानक से, और वो दो बादलों के बीच में से एक सूरज की किरण आई, और वो किरण जब थोड़ी सी ऐसी साइड में हटी तो हमको दिखा कि एक वाइट कलर का पिजन था ऐसे ऐसे करके नीचे आ रहा था। वो पिजन के हाथ में एक वाइट कलर का बास्केट था, वो ऐसे हिल रहा था। वो वाइट कलर के बास्केट में एक वाइट कलर का ब्लैंकेट था, एकदम करके रखा हुआ। वो वाइट कलर के ब्लैंकेट में एक ब्राउन कलर का बच्चा था जो ऐसे ऐसा कर रहा था। तो वो पिजन ने वो वाइट बास्केट आके तेरी मम्मा के गोद में डाल दिया और बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस इट्स अ बॉय। मैंने तेरी आंखों में देखा और अर्चू की तरफ देख के बोला अर्चू अपना मोंटू आ गया। ऐसा आया था तू दुनिया में। दीदी भी ऐसी आई थी? हाँ सेम सेम, कुछ फर्क नहीं, सेम टू सेम। ठीक है। What a story. हेलो पिंटू, तेरा टेस्ट काम आया रे? मेरा शक सही निकला, मैं सच में अडॉप्टेड हूँ। अरे इन लोग को तो पता भी नहीं है कि बच्चे सेक्स के वजह से पैदा होते हैं। ऐसा टेस्ट तुमको अगर अपने फैमिली पे वापरने का है तो वापर के देख लो, हो सकता है तुमको भी अपने जीवन के बारे में कुछ सच्चाई पता चल जाए। लेकिन मानना पड़ेगा, एक पराए बेटे को भी इतने प्यार और लाड से मम्मा पापा ने बड़ा किया, इसके लिए मैं उनको माफ करता हूँ। क्या करेंगे अभी, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो मुफ्त है, वो कर देना। और वो दीदी वीडियो डालती है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को, और बताना कमेंट सेक्शन में कि तुमको क्या बताया तुम्हारे घर वालों ने कैसे बच्चे पैदा होते हैं। सच में पिजन बच्चे लोग को आसमान से लेके नहीं आ सकता है क्या? ऐसा देखा जाए तो पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, है कि नहीं? तुम सोचो, मैं भी सोचता हूँ। लव लव। Video of Mostly Sane, and I enjoyed it. It was fun. Actually, you know, this birds and bees conversation is what parents actually dread. So when I was pregnant with my second child, my elder one came asking that, "Mommy, how did Leah get in your tummy? Did you eat too much food?" So I did not dispel her notions then, but maybe 10 years down the line, I won't have to. By then, you know, they would know everything. Like, of course, the little brother knew everything. And I love the fact that the mom kept excusing herself to go into the kitchen to avoid the conversation. The dad was in a pickle when he was put in there to answer that question. And I loved how the elder sister went about making that elaborate story of how they ultimately, you know, found him at a garbage place. So yes, we all older siblings have done this. We have always said this to our younger ones that we have picked you up from the garbage place and from a garbage can. And I love the part, the entire description of the clouds parting and the golden light and the pigeons carrying the white basket with a white blanket and a brown kid. So that one was really hilarious. So yes, but it's well scripted, well played out. The characters all are very, you know, defined in their own right. And there is a beginning, there is a proper middle, and there is an end. So yeah, I liked it. I mean, not that she needs any affirmation from my side. She's extremely talented. And yeah, Prajakta, thumbs up from me.
Okay, so if you're watching my videos and liking it, do not leave without subscribing. You can subscribe by clicking on the subscribe button down there. And keep coming back for more mommy reactions and the stuff that I will be putting out. And goodbye. Take care of yourselves.